को कोलैप्स इंडिया के ऊपर से हो गया था। फिर एक बंदा आया जिसका नाम है विराट किंग कोहली, बजा दिया पकड़ के व्यास भाई, उसने बजा दिया घंटा पकड़ के। इधर हमारा वो नकली 2% का शैंपू वाला किंग घंटे का किंग होता तो वो क्या करता, आप मुझे बताओ। व्हाट अ मैच यार, इस मैच में हालात जिस बात बदले, मुझे लगा मुझे अपने इंडियन दोस्तों को दिलासा देना होगा, लेकिन किस तरह फ्लिप हुआ है। तो कांग्रेचुलेशंस टू द इंडियन क्रिकेट टीम, टू विराट कोहली ने आज बता दिया कि मैं कुछ चीज हूं। उनके मुंह से मैच खींच के लाया, मजा आ गया मैच देखने का। कंडे के लिए रह गया वो, सिर्फ कोई काम नहीं है हमारी टीम का। ये वर्ल्ड कप इन्हें विन करना चाहिए था, ही करना चाहिए था इनको। तो ये अंडे बाबर के लिए, यस बाबर, ये अब अंडों का किंग रह गया है जी। पहले दोस्तों सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा इस पूरी परफॉर्मेंस के ऊपर, बाप परफॉर्मेंस। भाई साहब ये होता है क्रिकेट, इसको कहते हैं क्रिकेट, इसको कहते हैं बाप परफॉर्मेंस। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद इंडियन टीम के चर्चे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया तक पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान में भी हर तरफ इंडियन क्रिकेट टीम ही छाई हुई है। पाकिस्तानी मीडिया हो, क्रिकेटर हो या फिर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस, तमाम के तमाम लोग इंडियन क्रिकेट टीम की तारीफ करने पर मजबूर है। तो अगर हम बात करें विराट की, इट्स अ बिग नेम, तो जिस मैच में विराट परफॉर्म करे, हाउ इज इट पॉसिबल कि वो विन ना कर सके। सो कांग्रेचुलेशंस टीम इंडिया, दे प्लेड अ बेस्ट। पाकिस्तान में कई जगहों पर इंडिया की शानदार जीत को सेलिब्रेट भी किया गया। इंडिया की इस जीत को लेकर पाकिस्तानी क्रिकेटर और हमारी आवाम क्या कहती है, आइए आपको दिखाते हैं। मगर उससे पहले आप लोग से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। सबसे पहले मोमिन साकिब को देख लें, जो मुझे मारो वाली मीम की वजह से मशहूर हुआ था। इस बार तो मोमिन साकिब भी इंडिया की टीम को सपोर्ट करते हुए नजर आए। व्हाट अ मैच यार, इस मैच में हालात जिस बात बदले, मुझे लगा मुझे अपने इंडियन दोस्तों को दिलासा देना होगा, लेकिन किस तरह फ्लिप हुआ है। तो कांग्रेचुलेशंस टू द इंडियन क्रिकेट टीम, टू ऑल माय इंडियन फ्रेंड्स ऑन विनिंग द वर्ल्ड कप। और दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका की टीम को कहना चाहूंगा, यू प्लेड वेल बट हार्ड लक। बट Specifically, I'd like to mention, सबसे पहले विराट कोहली, who stepped up when his team needed him. So, what a performance. और फिर ये बुमराह, एक क्या चीज है बुमराह, बुमराह को पैक करके रख लो और इसको वर्ल्ड कप से पहले आप निकाला करो। ग्रेट परफॉर्मेंस, और क्या कैप्टनसी है रोहित की, आई हैव टू अप्रिशिएट। दोस्तों विराट कोहली के इस छोटे फैन को भी देख लें, जो है तो एक छोटा सा बच्चा लेकिन विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन है। इसने भी न सिर्फ विराट कोहली की बैटिंग की तारीफ की बल्कि इंडिया की जीत को भी खूब इंजॉय किया। विराट कोहली ने आज बता दिया कि मैं कुछ चीज हूँ, वो ऐसे, उनके मुंह से मैच खींच के लाया, मजा आ गया मैच देखने का। उन्होंने हर एक को उनकी कार्ड बता दिया क्रिकेट के लिए। आज से मैंने जैसे ही लाहौर बैर हुआ, पाकिस्तान बैर हुआ था, तो इंडिया को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था, और इंडिया वर्ल्ड कप का, इंडिया कप भी उठा गया यार। इतनी लेवल की परफॉर्मेंस मैंने किसी टीम से नहीं देखी। तरह अब इस भाई साहिबान को भी देख ले, इंडिया की जीत को लेकर ये भाई साहब तो कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गया है, ये तो मरने और मारने पर उतर आया है। 31 पे 47, रोहित शर्मा जानता था कि जो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है आज मैच के अंदर वो इसका है, इसको भेजो राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन बनाओ। अक्षर को आज अक्षर ही चाहिए था, जो स्पिन और था और 31 पे 47 इस बोलिंग अटैक पे और 3-4 छक्के लगाना, अक्षर ने ये गेम वापस इंडिया के पक्ष में किया। और विराट का कमाल आज के दिन जो मानना होगा, गार्डन का लड़का खिला दिया। मैं आपको बताऊं अक्षर की ब्रिलियंस, मैं आपको बताऊं, सबसे वीक लिंक जो था साउथ अफ्रीका की बोलिंग में वो मारकाम था, वहां से चार्ज शुरू किया, उसने बोला यार जब तक शमसी आएगा, नहीं मारा तो शमसी को सीधा छक्का मारा, मारकाम शमसी से पहले आया था, वो तो बहुत पहले सामने उसने छक्का दिल खोल के मारा है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ। पाकिस्तान के मशहूर सेलिब्रिटी अरसलान नसीर भी इंडिया की परफॉर्मेंस को देखकर तारीफ करने पर मजबूर हो गए, बल्कि अरसलान नसीर ने तो इंडिया को मौजूदा क्रिकेट का बाप करार दे दिया। उफ। दोस्तों सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा इस पूरी परफॉर्मेंस के ऊपर, बाप परफॉर्मेंस। भाई साहब ये होता है क्रिकेट, इसको कहते हैं क्रिकेट, इसको कहते हैं बाप परफॉर्मेंस। मुझे सीरियसली कुछ वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह एक्सप्लेन करूं कि किस किस्म की परफॉर्मेंस दी है। डिजर्विंग ये थे, पिछले 10 साल से डिजर्विंग थी इंडिया की टीम, लेकिन जो इसके अंदर परफॉर्मेंस दी है, जो ये फाइनल हुआ है, अनरियल फीलिंग। समझ नहीं आई कि किस चीज के ऊपर बात करूं, क्या कुछ किया बुमराह ने। लो जी अब इन पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को भी देख ले, जिन्होंने किंग कोहली की खूब तारीफ की और साथ में हमारे घंटे के किंग बाबर आजम को भी लिताड़ कर रख दिया। 35 पे 3 आउट थे और लग रहा था कि ये टीम शायद 100 भी ना कर पाए। रोहित शर्मा आउट हो गया था, सूर्य कुमार यादव आउट हो गया था, ऋषभ पंत आउट हो गया था,
लग रहा था कि ये टीम सर 3500 भी नहीं करेगी, जिस तरह की साउथ अफ्रीका बॉलिंग कर रहा था या जो कोलैप्स इंडिया के ऊपर से हो गया था। फिर एक बंदा आया जिसका नाम है विराट किंग कोहली, बजा दिया पकड़ के व्यास भाई, उसने बजा दिया घंटा पकड़ के। इधर हमारा वो नकली 2% का शैंपू वाला किंग, घंटे का किंग होता तो वो क्या करता। आप मुझे बताओ कि अगर इधर बाबर आजम होता उसने तो पेश करा देनी थी। लास्ट ईयर जब पाकिस्तान फाइनल खेल रहा था तो भाई ऐसी सिचुएशन थी, बाबर आजम ने बो वाली टट्टी की थी और बाबर आजम आउट हो गया था। लेकिन आज दुनिया के तेज तरीन फास्ट बॉलर शुएब अख्तर भी इस मौके पर खामोश ना रह सके। इन्होंने न सिर्फ इंडियन टीम की परफॉर्मेंस को सराहा बल्कि वर्ल्ड कप जीतने पर इंडियन क्रिकेट टीम को मुबारकबाद भी दी। वर्ल्ड कप एक तरफ, विराट कोहली दूसरी तरफ। यार मैं जब भी देखता हूँ इस बंदे को, कुछ भी हो रहा हो शो ये अपना बना लेता है जी। भाई ये इसको मुबारक हो और बहुत बड़ी अचीवमेंट है और बहुत। दोस्तों इंडिया की परफॉर्मेंस को देखते हुए पाकिस्तानी फैंस ने उनकी तारीफ के साथ साथ अपनी टीम पर भी गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। ये बीबी तो बाबर आजम का इस्तकबाल करने के लिए हाथ में अंडे लेकर खड़ी है। हमारी टीम का ये वर्ल्ड कप इन्हें विन करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था इनको, तो ये अंडे बाबर के लिए। यस बाबर, ये अब अंडों का किंग रह गया है जी। पहले बाबर घंटे का किंग था, अब अंडों का किंग है। इंडिया की शानदार जीत को देखते हुए पाकिस्तान के स्टार कमेंटेटर रमीज राजे भी मैदान में आ गए। उन्होंने भी जसप्रीत बुमराह की खुलकर तारीफ की। जसप्रीत बुमराह देखें इस पिच के ऊपर ऐसे एनालिसिस कमाल ही कर देते हैं, ये इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस है। इनकी जो खास बात मैं जल्दी जल्दी आपको बता दूं, एक तो सबको पता ही चल गया कि कितने बड़े वो बॉलर हैं, मगर हर पिच का एक पिच मैप अलग बनाते हैं, हर ऑपोजिशन के खिलाफ इनका अलग ढंग है परफॉर्मेंस का, हर प्लेयर के खिलाफ इनकी जो लाइन और लेंथ और जो बॉलिंग। इसी तरह इन पाकिस्तानी क्रिकेट फैन को भी देख लें जो इंडिया की परफॉर्मेंस से काफी खुश नजर आ रहे हैं, और साथ में इन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को भी इंडिया से सीखने का मशवरा दे दिया। अप्रिशिएट करते हैं, उनके लिए क्लैपिंग है इंडिया के लिए, इंडिया को मुबारकबाद जाती है बिकॉज दे आर ट्रूली प्रोफेशनल। प्रोफेशनल टीम जीती है और उन्होंने बड़ी एफर्ट करके भी मैच, शाबाश उनको देते हैं कि यस दे डिजर्व दिस। जो वेल प्लेड करते हैं, अच्छा खेलते हैं तो उनको जीतना भी चाहिए, ठीक है ना। बहरहाल ओवरऑल अगर आप देखें तो ये जो पूरा वर्ल्ड कप था ना, ये तो ऐसे ही लग रहा था कि जैसे वर्ल्ड कप जो है सिर्फ इंडिया के लिए जो है अरेंज किया हुआ था। एक और जज्बाती पाकिस्तानी क्रिकेट फैन को भी देख लें, इस भाई साहब का तो चिल्ला चिल्ला कर सांस ही फूल गया है। कोहली की रात होगी 48/50, अगली 10 बॉलों में खोल दिया। क्या रबादा, क्या यंसन, क्या ये, क्या वो, ये है विराट कोहली, ये आपका विराट कोहली। इसी तरह सलमान भट्ट, जिनका शुमार पाकिस्तान के बेहतरीन बल्लेबाजों में होता है, इन्होंने भी इस मौके पर एक तरफ इंडियन क्रिकेट टीम को मुबारकबाद दी, दूसरी तरफ इन्होंने हमारी टीम की भी चित्रोल कर दी। हमारे पेपर इस्लामियात का होता है, हम तैयारी इंग्लिश की कर रहे होते हैं, हमारा तो सारा कुछ इररेलेवेंट है। एंड देन व्हाट वी डोंट लाइक इज इंडिया विनिंग एंड ये क्यों कर रहे हैं। आई थिंक कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, दिस डज नॉट यू नो प्रेजेंट द राइट माइंडसेट एंड द राइट काइंड ऑफ। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।